केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र बुधनी शाहगंज बाईपास 6 लाइन मार्ग भू अर्जन मामले में किसानों के साथ भेदभाव करने की बात कही जा रही है। चेहरा देखकर किसानों को उनकी जमीन की कीमत दी जा रही है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये मामला पूरा जानबूझकर की गई लापरवाही और भ्रष्टाचार का नजर आता है, क्योंकि बुधनी में इस समय जमीन के मूल्य आसमान छू रहे हैं। किसानों का कहना है, हमारे वर्षों पुराने मकान भी टूट रहे हैं और हमें मकान और खेत का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। वर्जन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ये किसानों का कहना है। इस मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है और उसने भी अपनी तरफ से आरोप लगाए हैं। आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है, किस चीज के लेकर? ये हम लोगों की दुकान टूट रही है जो नेशनल हाईवे जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जिनको नुकसान हो रहा है, जिसका घर जा रहा है, दुकान जा रही है, किसी टप जा रहा है, तो उन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जिस हिसाब से मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा उस हिसाब से। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर चेहरा देख देख के मुआवजा दिया जा रहा है? यहाँ पटवारी ठीक नहीं, पटवारी का काम ठीक नहीं है। वो रिश्वत खा रहा, बंदों से पैसे ले लेंगे, और जिसको रिश्वत दी जा रही है उनका काम अच्छा हो रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसका काम अच्छा नहीं हो रहा। क्या नाम है पटवारी का? रजत भंवर। आज इस जगह पर सभी लोग एकत्रित हुए, क्या मामला है यहाँ पर? देखिए, भूमि लोगों की ली जा रही है, जो अधिग्रहण का विषय हाईवे में चल रहा है, बहुत दुखद है। जहाँ पर बड़ा अनियमित हो रहा है, मुआवजे की दर जो है किसी को कम किसी को ज़्यादा, मतलब जो दाम इतने कम मिल रहे हैं। इस ज़माने में वो जो आदमी का खून पसीने की कमाई थी, पुश्तैनी ज़मीन थी, वो ज़मीन छीनी जा रही है, घर छीना जा रहा है, उन्हें घर से निकाला जा रहा है और कह रहा जा रहा है कि आपको कौड़ियों के दाम दिए जा रहा है। तो ये बहुत दुखद विषय है। इस संबंध में हम SDM साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, अगर इनका हक की मांग पूरी नहीं होगी तो हम इसमें आंदोलन भी करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो कहावत सामने आ रही है कि माथा देखकर तिलक लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में, तो इस पोलिंग की बात करता हूँ, जवाहरखेड़ा पोलिंग है ये, इस पोलिंग में शिवराज जी को इतने ज़्यादा मत मिले, 8 लाख इस क्षेत्र से 8 लाख मतों से वो गए हैं, उसके बाद यहाँ का किसान परेशान है, उन्हीं की जनता उन्हीं को वोट करती, फिर भी आज इतनी परेशान है, दुखी है, रोड पर हैं। आप माताओं बहनों के आंखों से आंसू दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे? वो दो दाम जो उनको मिल रहे हैं, इस दाम में ना उनको जगह मिलेगी, ना उनको निवास मिलेगा, ना उनका रोजगार मिलेगा। ये बहुत दुख का विषय है। बहरुंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।